अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सबके। आपको एक और न्यू वीडियो में वेलकम करते हैं। आज की वीडियो है जी, आपको नज़र आ रही होगी कि बैल जो कि नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि बैल को देखकर जब भी कोई मोहल्ले में बैल आती है तो बच्चे इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं कि बैल तो पहले तो नंबर पर बैल नीचे उतरती नहीं, अगर उतर जाती है तो भाग जाती है। उनको पकड़ने के चक्कर में काफ़ी बच्चे ज़ख्मी भी होते हैं। अभी कल ही की बात है कि मेरे बेटे की मदरसे की छुट्टी इसी टाइम हुई, इसी टाइम बैल नीचे उतारी और बैल भागी, इतनी दमचम उधम मचा के काफ़ 400-500 तकरीबन बच्चा आदमी, इतने ज़्यादा बच्चे थे। सबसे रिक्वेस्ट है कि इन दिनों में बच्चों को अकेले बाहर मत निकलने दें, ख़ासतौर पर छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे इतना शोर करते हैं जिसकी वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम ये बैल जो लेके आए हमारे घर के नीचे मोहल्ले में ही थी, इतना शोर का था, ये काफ़ी देर से बैल को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे जो कि नहीं उतर रही थी। तो मेरे शोर भी इसलिए कम नहीं किया कि आप देखिए, म्यूट नहीं की इसकी आवाज़ का, आप खुद सुने कितना शोर था। इतनी मुश्किल से बैल को उतार रहे थे, बच्चों को चुप भी करवा रहे थे, लेकिन बच्चे इतने बदतमीज़ थे कि उतर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतना शोर शराबा गलियों में आजकल, और बैल फिर भाग जाती, फिर बच्चे ज़ख्मी, काफ़ी बच्चे हुए थे। फिर मैं अपनी बेटी को अभी मदरसे खुद छोड़ के आई हूँ, अब खुद लेने भी जाऊँगी, क्योंकि मदरसे के बाहर 3-4 बैल बंधे हुए हैं, बच्चे इतना खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो ईद तक खुद प्यास करें बच्चे को, अकेला बाहर मत जाने दो, जहाँ बैल वहाँ से फाड़ते हुए बच्चे को नहीं जाने दो। इतने गलियों में बैल उतरी थी बिल्डिंगों के ऊपर, इतने लोग जमा थे, औरतें क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, देखिए फर्स्ट टाइम कोई बैल देखी है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइम देखी कराची के लोगों के लिए बैल तो कुछ भी नहीं है। गाँव में तो बेचारे रहती बैलों के अंदर, इसीलिए बस यही है, वीडियो इंजॉय करें ना।